नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आज हरियाणा सरकार की तरफ से कई आयोजन किए गए। पराक्रम दिवस पर रविवार को सीएम खट्टर ने सबसे पहले एमएलए हॉस्टल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद सीएम खट्टर पंचकुला के सेक्टर 3 पहुंचे, जहां सीएम ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। इस खास मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र से लेकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में जानकारी दी। आज बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण दिवस है, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां ये जयंती का दिन है। और इस अवसर पर युवाओं को मैं यही कहूँगा कि पूरे उत्साह से और पूरे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा उनके मन में जागनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और उनसे प्रेरणा लेकर के हम देश में देश के को आगे बढ़ाने के लिए देश के विकास में जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब करना चाहिए। और आज इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है और आज इसी प्रकार से मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ। और अभी ये सूचना जो सूचना आयोग भवन इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। सीएम खट्टर ने कहा कि नेताजी का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी नेताजी को मान्यता नहीं दी और उनको कभी आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण स्थान नेताजी की प्रतिमा को दिया है, इससे हमें नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलती रहेगी। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूँ वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए, और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए और उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया है। बता दें कि सीएम ने युवा उद्यमी कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम खट्टर ने इस कार्यक्रम में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की अपील की। खट्टर ने कहा कि जनवरी महीने में 2 दिन आते हैं जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम मनाते हैं। देखिए, आज बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण दिवस है, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां ये जयंती का दिन है। और इस अवसर पर युवाओं को मैं यही कहूँगा कि पूरे उत्साह से और पूरे अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा उनके मन में जागनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और उनसे प्रेरणा लेकर के हम देश में देश के को आगे बढ़ाने के लिए देश के विकास में। बता दें कि सीएम खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि 31 मार्च तक अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1 लाख परिवारों को आय बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। सीएम ने कहा, स्पोर्ट्स और एडवेंचर के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। पंचकुला से उमंग पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।